हेलो गाइस, वेलकम बैक, दिस इज साक्षी। तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक न्यू कोरियन ड्रामा को, जिसका नाम है ग्योंगसेओंग क्रिएचर। सो गाइस, ये ड्रामा काफी अमेजिंग होने वाला है, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हमें बहुत सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पे चीफ उन्हें ऑर्डर देते हैं कि इन सभी रिसर्च और रिकॉर्ड्स को हम जापान लेकर जाएंगे, और जो भी चीजें हम यहाँ से नहीं ले जा सकते उन्हें यहीं पर डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेफ्टिनेंट काटो उससे पूछते हैं क्या सभी चीजों को देना चाहिए। चीफ कहते हैं कि हमें जो कुछ भी यहाँ पर किया है उसका कोई भी सबूत यहाँ नहीं रहना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिसर्चर्स बहुत से डेड बॉडीज को उस बिल्डिंग के अंदर फेंक रहे थे, और वहाँ पूरी बिल्डिंग में बॉम्ब लगा दिए जाते हैं। उसके बाद वो 12 सीरम और 8 नाजिस को ले लिया जाता है। यहाँ पे जितने भी लोग कैद थे उन सभी को मार दिया गया था, और अब बिल्डिंग में आग लगा दी गई थी, जिससे सब कुछ यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और 1945 में ग्योंगसेओंग का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जापान की आर्मी कोरिया के लोगों को जबरदस्ती अपनी आर्मी में भर्ती कर रहे थे, उन्हें काफी ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। फिर हमें इस ड्रामा के मेन कैरेक्टर ताइसांग को दिखाया जाता है, जो कि हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक था, और यहाँ पर वो काफी ज्यादा पावरफुल इंसान था, लेकिन इसे जापानीज कमिश्नर इशिकावा ने कैद किया हुआ है। कमिश्नर इशिकावा ने उसे यहाँ पर इसलिए रखा हुआ है क्योंकि वो ताइसांग से एक लड़की म्योंगजा के बारे में पता करना चाहता है, लेकिन ताइसांग इस काम के लिए मना कर देता है। ग्योंगसेओंग में ताइसांग की पहुंच बहुत ऊपर तक है, और इस काम को बस वही कर सकता था। उसके बाद ताइसांग अपने घर पे आ जाता है, और वो सोचता है कि उस लड़की म्योंगजोंग को आखिर कैसे ढूंढा जाए। इसके बाद हमें एक आदमी चंग वॉन और उसकी बेटी चायोक दिखाए जाते हैं। ये आदमी एक बार में जाकर उनसे पूछता है कि क्या वो साचिमोतो नाम के एक जापानीज पेंटर को जानते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर ग्योंगसेओंग में कुछ भी पाना है तो उसके लिए ताइसांग से मिलना होगा। दूसरी तरफ यू चायोक एक शॉप में जाती है, जहाँ पे वो एक खराब बाइक को खरीदती है, उसे ठीक करके वो उसे ले आती है। दूसरी तरफ ताइसांग को उसके सर्वेंट्स कह रहे थे कि वो यहाँ से दूर भाग जाए, लेकिन वो कहता है कि इशिकावा की पहुंच बहुत ऊपर तक है, वो उसे कहीं ना कहीं तो ढूंढ ही लेगा। जब वो विंडो से देखते हैं तो इशिकावा ने वहाँ पर अपने आदमियों को रखा हुआ था। अब ताइसांग म्योंगजा को शहर में ढूंढने के ऑर्डर्स भी दे देता है, और मिस नाबोल को सभी कीमती चीजों को बेचने की तैयारी शुरू करने के लिए कहता है, क्योंकि अगले महीने अब उसे यहां से भागने का इंतजाम करना है। अब उसके आदमी काम पर तो लग जाते हैं, और कमिश्नर के आदमी उनका पीछा करते रहते हैं, और ये सारी चीजें चायोक देखती रहती है। और दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि म्योंगजा कमिश्नर इशिकावा के बच्चे की माँ बनने वाली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेल में बहुत सी लेडीज को कैद किया गया था। अब डॉक्टर सोल्जर्स के साथ आकर वहाँ से दो लेडीज को बाहर निकाल कर किसी दूसरी जगह पर डाल देते हैं। उन्हें कुछ खाने के लिए दिया जाता है, और वो उसे देखकर खाने लगती हैं। दूसरी तरफ ताइसांग कहीं जा रहा था, और चायोक उसका पीछा कर रही थी। ताइसांग एक नूडल शॉप में जाकर उसके पीछे के डोर से बाहर निकल जाता है, बट ताइसांग को यहाँ पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो अंधेरे में जाकर छुप जाता है, और पीछे से आकर वो चायोक को पकड़ लेता है। अब इन दोनों में एक जबरदस्त फाइट होने लगती है। चायोक उससे बताती है कि वो यहाँ पर एक जापानी पेंटर को ढूंढने आई है, वो उससे मदद करने के लिए कहती है, लेकिन ताइसांग कह देता है कि उसे इस आदमी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, और वैसे भी वो किसी छोटे मोटे आदमी को ढूंढने के लिए किसी की हेल्प नहीं करेगा। दूसरी तरफ हम साचिमोतो को देखते हैं, जिसने बहुत सारे स्केचेस बनाए हुए थे। अब ताइसांग एक आदमी से मिलता है, और उससे म्योंगजा के बारे में पूछता है, लेकिन वो आदमी मना कर देता है और कहता है कि तुम्हें अपना पैसा देश और सोल्जर्स पे लगाना चाहिए, ना कि कमिश्नर की गर्लफ्रेंड को ढूंढने के लिए, और इसी बात में उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं दो लेडीज को देखते हैं जिन्हें कुछ खाने को दिया गया था। एक लेडी की तबीयत खराब होने लगती है, वो अपना सर जमीन पर जोर जोर से पटकने लगती है, और ये सब सोल्जर्स देख रहे थे। तभी वहाँ पर दूसरी लेडी भी वॉमिट करने लगती है, और उसकी बॉडी में अजीब से चेंजेस होने लगते हैं। अब जब ताइसांग घर लौट आता है तो मिस नोबोला कहती है कि मुझे पता चल गया है कि शहर में कुछ ऐसे जासूस हैं जो खोए हुए लोगों को ढूंढ देते हैं। तभी वो उन दोनों को बुलाती है, और ये कोई और नहीं बल्कि चायोक और उसके फादर ही होते हैं। और यहाँ पर ताइसांग उन्हें म्योंगजा को ढूंढने का काम सौंप देता है, और बदले में वो साचिमोतो को ढूंढने का वादा करता है। दूसरी तरफ साचिमोतो को वो सोल्जर्स उन लेडीज के रूम की तरफ लेकर आते हैं, और कहते हैं कि उस रूम में जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें उसकी तस्वीर बनानी है। यहाँ इतना अंधेरा था कि उसे कुछ नहीं दिख रहा था, वो वहाँ पे टॉर्च से देखता है। वो देखता है कि उस रूम में वो लेडी मर चुकी थी, उसकी डेड बॉडी वहाँ पड़ी थी, और पूरे रूम में चारों तरफ खून ही खून था। जैसे ही वो छत की तरफ देखता है एक भयानक आवाज आती है, और वो डर के गिर जाता है। अब हमें साचिमोतो की एक साल पहले की बैक स्टोरी को दिखाया जाता है, जब वो इस हॉस्पिटल में आया था जहाँ पे उसे रिसर्च और उसी की पेंटिंग्स को रखने का काम दिया गया था। फिर उसे एक रूम में लाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर एक आदमी का पेट चीर रहा था, और वो आदमी चिल्ला रहा था। साचिमोतो ये सब देख नहीं पाता, और वहाँ से बाहर भाग जाता है और वॉमिट करने लगता है, लेकिन बाद में वो अपना काम कर लेता है। वो एक रूम में बैठकर रो रहा था कि उसे ये सब नहीं करना, लेकिन उसे पैसों की काफी जरूरत थी। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है, और ये वही लेडी
बेबी थी जिसको डॉक्टर्स ने कैद कर लिया था। वो कहती है कि इस तरह से रोने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी हम सब की तरह इसकी आदत डाल लेनी होगी। अब साची मोतो उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पे कोरिया के काफी लोगों को कैद किया गया था और उस लेडी को भी वहाँ कैद किया था। वो उसे देखता है और उसके पास एक लॉकेट को भी देखता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। यहाँ पे साची मोतो उन दोनों लेडीज के रूम के बाहर था जिसमें से एक तो मर चुकी थी और दूसरी लेडी तो देखते ही देखते एक क्रिएचर बन जाती है। इसे देखकर साची मोतो बहुत डर जाता है लेकिन वो उसका लॉकेट देखकर उसे पहचान जाता है कि ये वही लेडी थी। दूसरी तरफ चायो को दिखाया जाता है जो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी। वो अपने पिता से कहती है कि उसे ताइसांग के लिए काम करना ठीक नहीं लगता, लेकिन वो कहते हैं कि इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है और ये हमारा आखिरी काम है, इसके बाद तुम्हें यहाँ से घर लौट जाना होगा। इसके बाद चायो कमिश्नर के घर में हाई सिक्योरिटी होने के बाद भी वहाँ पे जासूसी करने के लिए पहुँच जाती है जहाँ पे वो उसकी वाइफ लेडी मायदा को एक आदमी को एक एनवेलप देते हुए देख लेती है। वो आदमी किसी से मिलने गया होता है और चायोक उसके पीछे थी। और इसके बाद चायोक और उसके पिता ताइसांग से मिलने के लिए जाते हैं। वो उससे बताते हैं कि मियोंगजा आखिरी बार जिस रिक्शे में बैठी थी उसका पता चल गया है। कमिश्नर की वाइफ लेडी मायदा ने मियोंगजा को योंगसोंग हॉस्पिटल यानी कि उस रिसर्च सेंटर में भेजा गया था। वहाँ पे केवल जापानीज डॉक्टर और जापानीज सोल्जर्स ही हैं। इसके अलावा वहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है क्योंकि इस टाइम पे कोरिया पर जापान के लोगों का अधिकार है। इसके बाद ताइसांग उस आदमी के पास जाता है जिससे उसने फाइट की थी। वो उससे कुछ पैसे देता है और उसका आई कार्ड ले लेता है जिसकी हेल्प से वो उस हॉस्पिटल में एंटर कर सकेगा। ये सभी लोग उस हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं और ये न्यूज इशिकावा कमिश्नर तक पहुंच जाती है। चायोक हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे रिकॉर्ड चेक करने लगती है और तभी यहाँ पर एक आदमी उसे देख लेता है। चायोक के फादर यहाँ पे आकर उस आदमी को धमकाने लगते हैं। वो आदमी बताता है कि वो कोरिया का देशभक्त है। यहाँ से जब सभी लोग जाने लगते हैं तो इन्हें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ उस क्रिएचर ने उस रूम के बाहर दो सोल्जर्स पर अटैक कर दिया था। लेफ्टिनेंट कातो सोल्जर्स से कहते हैं कि कोई भी उस क्रिएचर पर फायर नहीं करेगा। इतनी बुरी हालत को देखकर एक सोल्जर्स उसके पास जाकर उसे शूट करने लगता है और क्रिएचर उसे भी मार डालती है। तभी चायोक और उसके पिता यहाँ पे रुककर कोरिया के कैद किए हुए लोगों पर छानबीन करने के लिए प्लान बनाते हैं। ताइसांग उन्हें मना करता है लेकिन वो लोग मना कर देते हैं और यहाँ पे मिलिट्री बेस में जाकर पता लगाने के लिए कहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर सायरन बजने लगता है और सभी लोगों को हॉस्पिटल से बाहर जाने के लिए बोला जाता है। सभी लोग बाहर चले जाते हैं और हॉस्पिटल को लॉक कर दिया जाता है। अब उस क्रिएचर पर नाइट्रोजन डाला जाता है। वो क्रिएचर बेहोश हो जाती है। उसे एक पिंजरे में डालकर उस जगह से फोर्थ फ्लोर पर ले जाया जाता है। नाइट्रोजन वहाँ पे रिलीज की जा रही थी जिससे कैदियों वाली जगह पर भी सभी लोगों पर इसका इफेक्ट हो रहा था। सभी की बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट हो गए थे। अब दूसरी तरफ चायोक और इसके फादर और जो देशभक्तों ने मिला था ये तीनों वहाँ पर जासूसी करने लगते हैं। चायोक देखती है कि यहाँ पर बहुत से लोगों की डेड बॉडीज को भरा जा रहा था। ताइसांग में स्नोबोला से कहता है कि मेरे सालों की कमाई हुई इज्जत और ये गोल्डन ट्रेजर सब कुछ बर्बाद होने वाला है अगर मियोंगजांग नहीं मिली तो। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर मुझे उस जासूस लड़की चायोक की चिंता क्यों सता रही है। मिसेस नाबोल उसे साची मोतो को ढूंढने के लिए कहती है। जब साची मोतो को एक बार में देखा जाता है जहाँ पे वो बैठा ड्रिंक कर रहा था और वो एक स्केच भी बना रहा था। नेक्स्ट डे सारे शहर में ये न्यूज फैल जाती है कि जल्दी हॉस्पिटल बंद होने वाला है क्योंकि वहाँ पर एक जानलेवा बीमारी फैल चुकी है। सारे मिलिट्री वाले मशीन गन्स के साथ अलर्ट हो चुके हैं। खबर सुनते ही ताइसांग हॉस्पिटल जाने लगता है कि तभी हॉस्पिटल की एक नर्स उसके पास आकर चायोक का एक मैसेज उसे देती है जिसमें लिखा था कि हमने मियोंगजा को ढूंढ लिया है। वो कहती है कि कल रात सभी को हॉस्पिटल से बाहर निकाल लिया गया था और वो अभी भी हॉस्पिटल में ही है। कल रात हॉस्पिटल में हजारों लोगों की जान चली गई है। जापानी सोल्जर्स उनकी डेड बॉडीज को ट्रक पे भर कर ले जा रहे हैं। वो नर्स बताती है कि मैं एक देशभक्त हूँ और उस हॉस्पिटल में कुछ तो खतरनाक चल रहा है जिसके बारे में किसी को कोई खबर नहीं है और जो भी इसका पता लगाने वहाँ जाता है वो कभी वापस नहीं आता। दूसरी तरफ चायोक उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ लोगों को कैद किया गया था और यहाँ पर उसे भयानक आवाजें सुनाई देती हैं। दूसरी तरफ ताइसांग डिसाइड करता है कि अब उसे ही हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। सोल्जर्स उस पिंजरे में कैद क्रिएचर को लेकर लिफ्ट में जाते हैं जिससे गलती से उनसे नाइट्रोजन सिलेंडर्स ऑफ हो जाते हैं और मॉन्स्टर फिर से एक्टिव हो जाती है। वो क्रिएचर सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और इनकी आवाज लेफ्टिनेंट कातो तक पहुंच जाती है और क्रिएचर सभी सोल्जर्स को मार डालती है। एक सोल्जर जो काफी ज्यादा घायल था वो लिफ्ट से भागने में कामयाब हो जाता है। वो घायल सोल्जर हॉस्पिटल में था। लेफ्टिनेंट कार्ट उससे पूछता है कि क्या तुमने उस क्रिएचर को देखा, वो कैसी है, क्या हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हुआ। जिस पर वो सोल्जर कहता है कि सर आपने एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर को बनाया है, आपको उसे खत्म करना होगा वरना वो सभी को खत्म कर देगी। लेकिन लेफ्टिनेंट कार्ट तो ये सुनकर बहुत खुश होता है। इसके बाद हम उस क्रिएचर को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है। अब दूसरी तरफ हम
देखते हैं कि ताई सांग लेडी मायदा से अंदर हॉस्पिटल में जाने के लिए मदद मांगता है, लेकिन लेडी मायदा कहती है कि अगर आप म्योंगचा को ढूंढने के लिए जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। उसके मना करने के बाद ताई सांग अंदर हॉस्पिटल में जाने के लिए प्लान बनाता है। मिसेस नाबोल से मिलने के लिए यहाँ पर एक लेडी आती है जो उन्हें अपने बेटे को ढूंढने के लिए कहती है। उसका बेटा मेडिकल का स्टूडेंट था और वो बहुत समय से लापता था। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में देखते हैं कि वही लापता लड़का चायो को उसके पिता से मिलता है जो उनसे कहता है कि जापानी सोल्जर्स उसे यहाँ पे उठा कर लाए हैं। यहाँ हो रहे एक्सपेरिमेंट में उससे काम करवाया जाता है और यहाँ पर बहुत से लोग कैद है। म्योंगचा भी यहीं पर कैद है। उसने मुझसे यहाँ से बाहर जाने के लिए और कमिश्नर इशिकावा को बताने के लिए हेल्प भी मांगी थी। ट्रेन शिफ्ट होता है और ताई सांग उस बार में पहुंच जाता है जहाँ पे साचिमोतो अक्सर आया करता है। यहाँ पर एक लेडी युनचा उसे साचिमोतो के बारे में बताती है और आज रात 8 बजे साचिमोतो उससे मिलने के लिए आने वाला है। दूसरी तरफ डॉक्टर लेफ्टिनेंट कातो से कहते हैं कि इस मॉन्स्टर का यूज हम जंग में हथियार के रूप में कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट कातो कहते हैं कि हमने अभी तक इस मॉन्स्टर पर कंट्रोल नहीं पाया है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाते हैं और चायो यहाँ पे कैद लोगों को बाहर निकालने के लिए भी कहती है और ये लोग अब यहाँ पर ताई सांग के सिग्नल का वेट कर रहे थे। जब ताई सांग साचिमोतो से मिलने के लिए आ रहा था तभी उस पर वही आदमी हमला कर देता है और वो ताई सांग से उसका हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर की मांग करता है। ये सभी लोग मिलकर ताई सांग को पीटते हैं। और दूसरी तरफ साचिमोतो और ह्यूंग सांग भी लोकेशन पर बैठे थे। ह्यूंग सांग उसका वेट कर रही थी। ताई सांग उन सबको मार कर साचिमोतो से मिलने के लिए जाता है लेकिन वहाँ पर अब कोई भी नहीं था। ताई सांग अब घर पहुँच जाता है। यहाँ पर इसके लोग उसे हॉस्पिटल का ब्लूप्रिंट देते हैं लेकिन मिसेस नाबोल उसे हॉस्पिटल जाने के लिए कहती है अपना इलाज करवाने के लिए। तभी यहाँ पर ह्यूंगचा आती है और अपने साथ साचिमोतो को लेकर आती है और दूसरी तरफ चायो हॉस्पिटल में बाहर जाने के रास्ते को ढूंढने की कोशिश करती है। वो एक अजीब सी जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर कंटेनर्स में इंसानों की बॉडी पार्ट्स रखे हुए थे और इन सबको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है। वो एक रूम को देखती है जहाँ बहुत से बच्चों को कैद किया हुआ था। यहाँ हॉस्पिटल में साचिमोतो आ जाता है और वो सोल्जर से कहता है कि वो डायरेक्टर के कहने पर कोई भारी सामान यहाँ लेकर आया है। एक्चुअल में वो कोई सामान नहीं बल्कि ताईसांग को अपने साथ हॉस्पिटल में लाया था। दूसरी तरफ चायो को बच्चे पूछते हैं कि क्या आप हमें यहाँ बचाने के लिए आई हो। इसके बाद चायो सभी बच्चों को उस रास्ते से ऊपर भेजती है जहाँ से वो खुद आई थी। पर तभी यहाँ पे एक डॉक्टर आता है और वो देख लेता है कि यहाँ से सभी बच्चे गायब हैं। तभी पीछे से आकर चायो को उसे मार डालती है। दूसरी तरफ साचिमोतो ताई सांग और एक आदमी के साथ हॉस्पिटल में एंटर कर जाता है और ये उसी रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर चायो ने मिलने के लिए कहा था, लेकिन टाइम टू सिग्नल ना मिलने की वजह से वो लोग यहाँ से जा चुके थे। चायो बच्चों को लेकर ऊपर टेरिस पर पहुँच जाती है। वो अपनी फादर को यहाँ पहुँचने का सिग्नल देती है लेकिन यहाँ पर सोल्जर पहुँच गए थे और वो इस आवाज को सुन लेते हैं। वो उसकी तरफ ही आने लगते हैं लेकिन तभी चायो के पिता उनके सामने आ जाते हैं। पर यहाँ पे सिग्नल्स के लिए आतिशबाजी स्टार्ट हो जाती है। च्युंग वुंग सोल्जर से फाइट करने लगता है। चायो भी उसकी हेल्प करती है और सभी को मार डालती है। एक सोल्जर उस पर गन पॉइंट करता है तभी यहाँ पे ताईसांग आकर उस सोल्जर को मार देता है। वो ताईसांग से सभी बच्चों को हॉस्पिटल से बाहर निकालने के लिए कहती है और यहाँ पर ताईसांग हैरान था। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डॉक्टर लेफ्टिनेंट काटो को कुछ दिखाने के लिए कहता है। यहाँ पे तीन लोगों को लेकर आते हैं और उन्हें मॉन्स्टर के रूम में फेस कवर करके छोड़ देते हैं। फिर डॉक्टर घंटी बजाता है और वो मॉन्स्टर इन तीन लोगों पर अटैक कर देती है। डॉक्टर कहता है कि जब भी मैं ये घंटी बजाऊंगा मॉन्स्टर को पता चल जाएगा कि उसके लिए खाना आ गया है। इससे वो अपने मालिक को पहचान लेगी और मैं इस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर पाऊंगा। अब कमिश्नर के सीनियर्स उसे आतिशबाजी करने वाले को पकड़ने के ऑर्डर्स देते हैं और इसलिए इशिकावा कमिश्नर उनका पता लगाने की कोशिश करता है। यहाँ उसे पता चलता है कि आतिशबाजी हॉस्पिटल के पास हुई है। तभी पुलिस टीम को उस लोकेशन पर भेज दिया जाता है लेकिन ताईसांग के आदमी पुलिस वालों को चकमा देकर वहां से भाग जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि ताईसांग ने एक ऐसा रिक्शा बनवाया था जिसमें आदमी छिपकर जा सके। इसके बाद ताईसांग चायोक से कहता है कि इन बच्चों को बचाने की बात तो हुई नहीं थी, अभी तो यहां से हमारा भी बाहर निकल पाने का कोई रास्ता नहीं है। हम बच्चों को बाहर कैसे लेकर जा सकते हैं? और तुमने बोला था कि तुमने म्योंगचा को ढूंढ लिया है। चायोक कहती है कि म्योंगचा भी यहीं पर है, हम उसे भी ढूंढ लेंगे, लेकिन अगर इन बच्चों को यहां पे छोड़ दिया जाएगा तो वो सोल्जर्स इन्हें भी मार डालेंगे। दूसरी तरफ सोल्जर्स को पता चल जाता है कि डॉक्टर को किसी ने मार दिया है और सभी बच्चे भी यहाँ से गायब हैं। चायो साचिमोतो की तरफ देखकर पूछती है कि ये कौन है लेकिन ताईसांग उन्हें कुछ भी नहीं बताता है। इसके बाद बच्चे बताते हैं कि उन पर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लेकिन ताईसांग बच्चों को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहता था। वो कहता है कि मैं यहाँ सिर्फ म्योंगचा को बचाने के लिए आया हूँ, मैं इन्हें बचाने के लिए कोई भी मुसीबत मोड़ नहीं लेना चाहता। अब सभी सोल्जर्स हॉस्पिटल के कोने कोने में बच्चों को ढूंढने के लिए लग जाते हैं। दूसरी तरफ ताईसांग और चायो बच्चों को साचिमोतो के रूम में ले आते हैं जहाँ पर चायो साचिमोतो के बनाए हुए ड्राइंग्स और स्केचेस को देखती है। ये हॉस्पिटल में क्यों है और उसे यहाँ पर किस काम के लिए रखा गया
गया है। तब ताइसोंग उसे बता देता है कि ये साचिमोतो है। अब चायोक साचिमोतो को उसकी ही बनाई हुई एक तस्वीर देती है और उससे पूछती है, ये तस्वीर जिस लेडी की है वो इसके बारे में क्या जानता है। ये लेडी चायोक की माँ थी जो कि अब मॉन्स्टर बन चुकी है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे डॉक्टर घंटी बजाकर उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और लेफ्टिनेंट कातो को और ऐसे ही मॉन्स्टर्स तैयार करने के लिए कहता है। साचिमोतो उस तस्वीर वाली लेडी को पहचानने से मना कर देता है और चायोक से झूठ बोल देता है कि वो नहीं जानता। चायोक उसे बताती है कि वो पिछले 10 साल से उन्हें ढूंढ रही है और वो ही बस इसकी आखिरी उम्मीद है, लेकिन साचिमोतो फिर भी उसे कुछ नहीं बताता। अब ताइसांग एक आदमी के साथ अपनी रिक्शा से बच्चों को बाहर निकालने के लिए प्लान बनाता है। दूसरी तरफ जापानी सोल्जर्स को शक हो जाता है कि बच्चे साचिमोतो के रूम में हो सकते हैं। ये लोग वहाँ पे चेक करने के लिए जाते हैं लेकिन यहाँ इन्हें कोई बच्चा नहीं मिलता। वो साचिमोतो को ढूंढ लेते हैं और ताइसांग और चायोक छुप जाते हैं। दूसरी तरफ वो लड़का रिक्शे को फुल स्पीड से डरते हुए बाहर लेकर जा रहा था और वो कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ सोल्जर्स को साचिमोतो के पास से कुछ नहीं मिलता और वो उसे जाने देते हैं और रिक्शे के साथ अब वो लड़का हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर में पहुंच जाता है। यहाँ पर वो ताइसांग का मैसेज मिसेस नोबोल को देता है। अब इस रिक्शे से सभी बच्चों को निकाल लिया जाता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर इचिरो उस डॉक्टर की डेड बॉडी को देखकर बताते हैं कि इसे बच्चों ने नहीं मारा है, ये किसी ऐसे का काम है जिसे चाकू चलाना आता है। तभी यहाँ पर डायरेक्टर इचिरो से मिलने के लिए लेडी माइदा इस हॉस्पिटल में आती है और कहती है कि मुझे यकीन है कि ताइसांग इसी हॉस्पिटल में है। दूसरी तरफ वो सभी अपने प्लान को डिस्कस कर रहे थे जहाँ पर इनका साथ ही वो कोरियन जासूस लड़का, और साचिमोतो कहता है कि उनके हॉस्पिटल में काम करने का टाइम अभी खत्म हो गया है, अब उन्हें हॉस्पिटल से बाहर जाना होगा। वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं और इन लोगों को यहाँ से भाग जाने के लिए कहते हैं। ताइसांग उन्हें उनकी डील याद दिलाता है। तो चायो कहती है कि हमने वादा किया था कि म्यूंग चा को ढूंढना है तो हम अपना वादा पूरा करेंगे। यहाँ की दोनों में थोड़ी बहस भी हो जाती है। फिर चायो सभी को उसे फॉलो करने के लिए कहती है। ये लोग यहाँ से टेरिस से निकलने लगते हैं लेकिन तभी ताइसांग एक तलवार उठाकर वहाँ पे होश पड़े सोल्जर को मारने लगता है जिसे एक दूसरा सोल्जर देख लेता है। ये सभी उसी रास्ते से लेबोरेटरी में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर इंसानों के बॉडी पार्ट्स को देखकर सब हैरान थे। और फिर दूसरी तरफ वो सोल्जर्स उस सोल्जर की डेड बॉडी को देखते हैं और यहाँ सभी को अलर्ट कर दिया जाता है। और लेडी माइदा डायरेक्टर से कहती है कि म्योंगचा को इसी हॉस्पिटल में सेफ रखना है जब तक उसका बच्चा नहीं हो जाता। उसके बाद सोल्जर म्योंगचा को जेल से बाहर निकालते हैं, उसे वहाँ से ले जाते हैं। वो चिल्लाती रहती है जिसकी वॉइस उस मॉन्स्टर तक भी पहुँच जाती है। म्योंगचा को एक अलग रूम में डाल दिया जाता है। उसके बाद मॉन्स्टर्स उन सभी सोल्जर्स पर अटैक कर देती है और सभी को मार डालती है। दूसरी तरफ ताइसांग और सभी लोग सिक्योरिटी ज्यादा होने की वजह से अंडरग्राउंड रास्ते से जाने का सोचते हैं और वहाँ पे एक सोल्जर उसी रास्ते को ओपन देख लेता है और उससे फॉलो करने लगता है। वो इन सभी तक पहुँच जाता है। ये सोल्जर इन सभी को पीटता है और तभी यहाँ पे ताइसांग उसे गोली मार देता है। अब जापानीज आर्मी मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। चायोक ताइसांग के घाव पर मेडिसिन लगाती है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ताइसांग का फ्रेंड मौका पाते ही यहाँ से भाग गया था। चायोक के फादर म्योंगचा को अलग अलग फ्लोर्स पर ढूंढने के लिए कहते हैं। ताइसांग और चायोक भी म्योंगचा को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। ताइसांग कहता है कि मुझे गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, ऐसा लगता है कि इस जगह पर कुछ और ही चल रहा है। चायोक एक रूम में चली जाती है। ताइसांग जैसे ही उसका पीछा करने लगता है तभी वो देखता है कि एक मॉन्स्टर सोल्जर को उठाकर उसकी तरफ ही आ रही थी। वो सोल्जर को उसकी तरफ फेंक देती है और ताइसांग की तरफ ही आगे बढ़ने लगती है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। हमें एपिसोड की शुरुआत में जिंग टेक के यहाँ पे आने की रीजन को दिखाया जाता है। ये एक फ्रीडम फाइटर था, ये अपने देश को बचाने के लिए जापानियों के खिलाफ था। इन्हें पता चलता है कि यहाँ पे एक रैली होने वाली है जिसमें बड़े बड़े नामी लोग हिस्सा लेने वाले हैं और यहाँ पे इनकी टीम प्लान बनाती है सभी को बारूद का इस्तेमाल करके खत्म करने का। बट इस बारूद के बारे में मिस्टर ली को ही पता होता है, वही जानते हैं ये बारूद उन्होंने कहाँ पर रखा हुआ है। और ये जापानीज आर्मी उठा लेती है क्योंकि वो जापानीज के खिलाफ न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ मिस्टर ली को जोंगसोंग हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है कैद करके, जिसके बाद बारूद कहाँ है ये किसी को नहीं पता था और जूनतेक का रैली को उड़ाने का प्लान अधूरा रह जाता है। इसीलिए जूनतेक ली से उस बारूद का पता लगाने के लिए यहाँ पर आया था। स्टोरी प्रेजेंट में आती है जहाँ पे जूनतेक हॉस्पिटल के इस एरिया में पहुँच जाता है। यहाँ बहुत सारे लोग कैद थे जो उन्हें बचाने के लिए कहते हैं। जूनतेक ली को ढूंढ लेते हैं और उनसे बारूद के बारे में पूछते हैं। ली उन्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए कहते हैं और जूनतेक के बार बार पूछने पर भी बारूद के बारे में कुछ भी बताने से मना कर देते हैं। तभी जापानी सोल्जर वहाँ पे आके जूनतेक को बेहोश कर देते हैं। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे वो मॉन्स्टर ताइसांग के सामने आ जाती है और उस पर अटैक करने लगती है। तभी चायो गन उठाकर मॉन्स्टर पर लगातार फायर करती रहती है। अब गन जाम हो जाती है और ताइसांग और चायो वहाँ से भागने
लगते हैं। मॉन्स्टर उनका पीछा करती रहती है और चायोक के फादर उनकी वॉइस सुनकर उनका पीछा करते हैं। अब ये दोनों एक रूम में पहुंचकर डोर बंद कर देते हैं। वो उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करती है और तभी चुमू यहाँ पे आके पेट्रोल और बारूद डाल देता है और मॉन्स्टर उस पर अटैक करने लगती है और वो फायर करके वहाँ पे धमाका कर देता है। दूसरी तरफ चायोक और ताइसांग को जापानी सोल्जर्स घेर लेते हैं। इन सोल्जर्स में वो मेडिकल स्टूडेंट भी था। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर इचिरो सभी सोल्जर्स को उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करने के ऑर्डर्स देते हैं और यहाँ पे उनके सामने जुनतेक को लाया जाता है और उसे यहाँ लेबोरेटरी जेल में डाल दिया जाता है। ताइसांग और चायोक को लेफ्टिनेंट कातो के पास ले जाया जाता है। तभी एक सोल्जर उन्हें रोक लेता है। ताइसांग से कुछ बात करने के लिए वो उसे वहाँ से ले जाता है। चायोक को अब एक रूम में लाकर वो उससे यहाँ आने का रीजन पूछते हैं और वो उसे बहुत टॉर्चर करते हैं। दूसरी तरफ सोल्जर ताइसांग को एक डील के लिए कहता है जहाँ वो कहता है कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो यहीं पर अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता है, यहीं चियोंगसोंग में ही, और उसे यहाँ पे एक आलीशान घर पैसे चाहिए जिसके बदले में ताइसांग को यहाँ से जिंदा वापस जाने दिया जाएगा, क्योंकि ताइसांग तो चियोंगसोंग का जाना माना आदमी था। और ताइसांग म्योंगचांग और चायोक के लिए ये डील के लिए राजी हो जाता है। दूसरी तरफ चायोक को सोल्जर्स बहुत पीटते हैं, उसे बहुत टॉर्चर करते हैं, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करते हैं। तभी लेफ्टिनेंट काटो वहाँ पे आ जाता है और दूसरी तरफ ली के साथ ही ताइसांग को उस जेल में डाल दिया जाता है। नेक्स्ट सीन में डायरेक्टर इचिरो जुनतेक के फादर को मिलने के लिए बुलाते हैं जहाँ पे वो बताते हैं कि आपका बेटा कल रात हॉस्पिटल में इलीगल तरीके से एंटर करते हुए पकड़ा गया है और किस मकसद से वो यहाँ पे आया है ये अभी तक उसने नहीं बताया। उसके पिता अपनी रेपुटेशन खराब होने की वजह से इचिरो के सभी बातों को मान लेते हैं, क्योंकि डायरेक्टर इचिरो इसके बदले में उससे एक भारी अमाउंट लेने की सोच रहे थे। दूसरी तरफ जुनतेक को टॉर्चर किया जाता है और यहाँ आने का रीजन पूछा जाता है। तभी वो देखता है कि जो निशान उस कोरियन जासूस लड़के ने अपने भाई के कान पर बताया था, जिसे वो ढूंढने के लिए यहाँ पर आया था, उसे एक कंटेनर में रखा हुआ था। जेल में सब बातें करते हैं कि जब हाउस ऑफ गोल्डन ट्रेजर का मालिक ही जेल में कैद है तो हमें यहाँ से बाहर कौन निकालेगा। ताइसांग ने उस सोल्जर से अपनी तीन शर्तों को मानने के लिए कहा था, जिसमें पहली शर्त में मिसेस नाबोल तक एक मैसेज को पहुंचाया जाए और दूसरी नीचे वाले फ्लोर के सभी सोल्जर्स को हटा दिया जाए। तीसरी शर्त में वो चायोक के बारे में पूछता है। तभी वो जेल के लॉक को ओपन करके जेल से बाहर आ जाता है, क्योंकि उसके पास पहले से ही उसकी की थी। वो ली को दे देता है और 30 मिनट के बाद उसे वहाँ से जाने को कहता है। अब लेफ्टिनेंट काटो चायोक से उसके यहाँ पे आने के रीजन को पूछते हैं और वो बता देती है कि वो यहाँ पे अपनी माँ को ढूंढने आई है और उसके पूछने पर वो उसे अपनी माँ का नाम बताती है और काटो को याद आता है कि मॉन्स्टर बनी उस लेडी का नाम भी यही है और वो उससे पूछता है कि मॉन्स्टर के सामने आने पर उसे कैसा महसूस हुआ था और वो बताती है कि उसे डर लगा था। और तभी लेफ्टिनेंट उसे कुछ पीने के लिए देता है और वो उसे एक रूम में कैद कर देता है और वो सभी सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि कोई भी इसे नहीं छुएगा। और दूसरे सीन में डायरेक्टर इचिरो को जुनतेक की फादर उसे माफ करने के लिए बहुत सारे पैसे देते हैं। तभी मिसेस नाबोल आकर उन्हें बताती है कि उनके पास एक ऐसा रास्ता है जिससे उनके बेटे को बचाया जा सकता है। तभी चायोक देखती है कि जिस रूम में उसे कैद किया हुआ है उस दीवारों पर लिखा हुआ था कि चायोक मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, जिसे पढ़कर वो रोने लगती है। उसे पता चल चुका था उसकी माँ भी इसी रूम में कैद थी। और अब तभी ताइसांग सोल्जर्स को पीट कर चायोक तक पहुँच जाता है, उसे उस रूम से बाहर निकाल देता है। चायोक उसे गले से लगा लेती है और कहती है कि मैं अपनी माँ को ढूंढ कर ही रहूंगी और यहाँ से हम दोनों के रास्ते अब अलग हैं। ताइसांग कहता है कि जिंदा वापस जरूर आना। दूसरी तरफ जुनतेक उस पेपर पर लिख देता है कि कौन कौन उसके साथ इस हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से आया है और वो यहाँ पे सभी के नाम डाल देता है। दूसरी तरफ ताइसांग और चायोक दोनों अपने अपने रास्तों पर निकल जाते हैं। चायोक लेफ्टिनेंट काटो के पास आकर उस पर गन पॉइंट करती है और उसकी माँ के बारे में पूछती है। ताइसांग दूसरी तरफ जेल में जाता है जहाँ सभी लोग भाग चुके थे। तभी उसके पीछे मॉन्स्टर आ जाती है। ताइसांग उस पर फायर करने लगता है। सभी लोग ली के साथ जाते हैं और बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तीन सोल्जर्स उनके सामने आ जाते हैं और उन्हें वापस जाने के लिए कहते हैं। यहाँ से सब लोग भागते हैं तो सोल्जर्स उन पे फायर कर देते हैं, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। ताइसांग यहाँ आकर तीनों सोल्जर्स को मार देता है। एक सोल्जर उन्हें फिर से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मॉन्स्टर वहाँ पे आ जाती है और उसे मार डालती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे चायोक लेफ्टिनेंट काटो से अपनी माँ के बारे में पूछती है। वो कहता है कि ये जो सीरम इस कप में है वो इंसान की बॉडी में जाते ही उसका ब्रेन काम करना बंद कर देता है और इंसान पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो जाता है। चायोक बार बार अपनी माँ के बारे में उससे पूछती है। दूसरी तरफ सभी लोग मॉन्स्टर को देखकर भाग रहे थे। मॉन्स्टर ली के एक साथी पर हमला करके उसे मार देती है। ताइसांग की तरफ मॉन्स्टर बढ़ रही थी, वो उस पर फायर कर रहा था। गन की बुलेट्स खत्म हो गई थी, वो उस पर अटैक करने ही वाली थी। तभी ताइसांग वहाँ
पर पड़े नाइट्रोजन सिलेंडर को ब्लास्ट कर देता है और वो मॉन्स्टर बेहोश हो जाती है। अब लेफ्टिनेंट चायोक से कहता है कि अब इंसान किसी दूसरी दुनिया में जाएंगे जहां पर मैंने तुम्हारी माँ को पहले ही भेज दिया था। दूसरी तरफ जूनटेक के पिता कमिश्नर इशिकावा के पास आकर उसे बताते हैं कि उसका बेटा भी उस हॉस्पिटल में दाइसांग के साथ गया है और वो लोग बहुत बड़े खतरे में हैं। उन्हें केवल आप ही बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें मिसेस ना बोलने कहा था। दूसरी तरफ दाइसांग कॉन्ग्रेटली से कहता है कि उन्हें उसके आने का वेट करना चाहिए था। ऐसे सभी लोगों को लेकर जाना बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। ली कहता है कि हम तुम पे भरोसा कैसे कर सकते हैं और तुम हमें बचाने ही क्यों आते। दाइसांग कहता है कि बिना किसी प्लान के ऐसे सभी को लेकर हॉस्पिटल से तुम बाहर नहीं जा सकते हो। आज तुम्हारी वजह से सभी लोग मारे जाते हैं। यहाँ पे चायोक के फादर आ जाते हैं जो अपनी बेटी के बारे में पूछते हैं। उसी तरफ चायोक लेफ्टिनेंट से कहती है कि ये सब झूठ है, तुम एक इंसान को मॉन्स्टर कैसे बना सकते हो। लेफ्टिनेंट कहता है कि ये एक्सपेरिमेंट हमने बहुत से लोगों पर किया था, एक वो ही है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब हुआ था और तुम भी इस सीरम को पी लो, जब तुम मॉन्स्टर बन जाओगी तो शायद तुम्हारी माँ तुम्हें पहचान सके। अब चायोक उसे पीटने लगती है और मॉन्स्टर को रोकने का तरीका पूछती है और वो कहता है कि इसे रोकने का कोई भी तरीका नहीं है। दाइसांग चायोक के पिता को पूरी बात बता देता है और एक सेफ जगह पर ले जाने का प्लान बनाता है इन सभी लोगों को और वो एक एक्सिट डोर से वैन तक पहुंचने का रास्ता बताता है और दाइसांग म्यूंजा को ढूंढने के लिए अलग रास्ते पर निकल जाता है। अब डायरेक्टर इचिरो जेल को खाली देखकर नाराज होता है और सोल्जर को बहुत पीटता है। एक सोल्जर उसे आके बताता है कि कमिश्नर इशिकावा बाहर गेट पर आए हैं जो कि एक लेडी के मिसिंग होने के इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आए हैं। लेफ्टिनेंट काटो को चायोक वहाँ से ले जाती है एक सोल्जर की ड्रेस पहनकर। तभी सोल्जर्स लेफ्टिनेंट काटो से उस मॉन्स्टर को मार डालने की परमिशन लेने के लिए आते हैं। ये कहते हैं कि उसे गन से नहीं मारा जा सकता है, उसे सिर्फ जलाकर ही मार सकते हैं और यहाँ पे वो चायोक को रिवील कर देता है और सभी सोल्जर्स उसे पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ दाइसांग म्योंगचा को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है लेकिन यहाँ पर वो गायब थी और एक सोल्जर आके उसे पकड़ लेता है। नेक्स्ट सीन में चायोक खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाती है जहाँ पर उन्हें तोड़ने की वो बहुत कोशिश करती है। चायोक को मॉन्स्टर के रूम में ही कैद किया गया था जहाँ पर लेफ्टिनेंट काटो उस पर नजर रखे हुए थे। वो कहते हैं कि जल्दी तुम अपनी माँ से मिलने वाली हो, पता नहीं तुम्हारी माँ तुम्हें पहचानेगी भी या नहीं। उसके बाद सोल्जर्स मॉन्स्टर को उस रूम तक लेकर आते हैं। दूसरी तरफ दाइसांग सोल्जर को रूम में कैद करके वहाँ से भाग जाता है। वो लेफ्टिनेंट के रूम में पहुँचता है जहाँ पे एक सोल्जर को बांधा हुआ था। वो सोल्जर उससे बताता है कि एक लड़की उसकी यूनिफॉर्म लेकर चली गई। उसे पता चल जाता है कि ये चायोक ही है। उसे मॉन्स्टर की वॉच सुनाई देती है और वो उसी रूम में पहुँच जाता है। मेडिकल स्टूडेंट दाइसांग को हिंट दे देता है कि चायोक को मॉन्स्टर के सामने डाला गया है। अब मॉन्स्टर रूम में आ जाती है और उसे देख के चायोक बहुत ज्यादा डर जाती है। वो अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर बहुत दुखी होती है। वो मॉन्स्टर उस पर अटैक करती है। तभी चायोक उसे माँ कह के पुकारती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं और ये सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। चायोक यहाँ रोने लगती है और मॉन्स्टर भी अपनी बेटी के बचपन को याद करती है। अब लेफ्टिनेंट काटो सोल्जर्स को उस पर अटैक करने के ऑर्डर दे देता है। अब मॉन्स्टर चायोक को कवर कर लेती है जिसकी वजह से उसे वो एक भी गोली छूने नहीं देती। मॉन्स्टर चायोक की जंजीरों को तोड़ के उसे दूर फेंक देती है। ये लोग उस पर फायर करते रहते हैं। यहाँ नाइट्रोजन गैस भी रिलीज कर दी गई थी, वो जमीन पर गिर जाती है जिसे देखकर चायोक रोने लगती है। दाइसांग उसे आके यहाँ से ले जाता है और सोल्जर्स को लेफ्टिनेंट काटो उसे ढूंढने के लिए कहते हैं। चायोक उसे बताती है कि वो मॉन्स्टर नहीं उसकी माँ है, इन लोगों ने उन्हें एक मॉन्स्टर बना दिया। बेहोश मॉन्स्टर को कैद कर लिया जाता है। लेफ्टिनेंट काटो चायोक को खत्म करने के लिए ऑर्डर्स दे देता है और वो मेडिकल स्टूडेंट दो सोल्जर्स को कैद करके उनकी यूनिफॉर्म इन दोनों को दे देता है। जहाँ पे चायोक के फादर सभी कैदियों के पास छुपे हुए थे ये तीनों उसी रूम में आ जाते हैं। यहीं पे सोल्जर अपनी शर्त के अकॉर्डिंग म्योंगचा को लेकर आ जाता है और यहाँ से उसका प्लान स्टार्ट होता है जो कि दाइसांग ने अपनी पहली शर्त के अकॉर्डिंग मिसेस नाबोल को अपना प्लान बताया था, जिसमें इशिकावा के ड्राइवर के रूप में उसका आदमी यहाँ पे एंटर कर जाता है, वो भी अपने ट्रक के साथ, ताकि वो सभी लोगों को यहाँ से बाहर निकाल सके। लेफ्टिनेंट पूरी बिल्डिंग को सील करने के ऑर्डर्स देता है। प्लान के अकॉर्डिंग म्योंगचा लाउड स्पीकर में म्यूजिक स्टार्ट कर देती है। अब चायोक मॉन्स्टर वाले रूम में आती है जहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। चायोक अपनी माँ को पुकारती है। तभी दाइसांग वहाँ पे आता है जो कि बहुत बुरी तरह से घायल था। चायोक उसे संभालती है, वो उससे हेल्प मांगता है। तभी वो देखती है कि उसकी बैग से मॉन्स्टर जैसे टेंटिकल्स निकल रहे हैं। अब चायोक उसे देखकर दूर जाने लगती है। दाइसांग उसका हाथ पकड़ लेता है और वो अब मॉन्स्टर बन चुका था। वो चायोक को भी मार डालता है और चायोक यहाँ पे नींद से उठ जाती है। ये सब वो बस एक सपना देख रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हमें 16 घंटे पहले की स्टोरी को दिखाया जाता है। दाइसांग यहाँ सभी से कहता है कि सभी को 10 मिनट में ट्रक तक पहुँचना है। अब वो विंडो से रस्सी
बनाकर ट्रक तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सभी लेडीज को पहले नीचे उतारा जाता है। मियोंगजा भी वहां नीचे उतर जाती है। सभी सोल्जर्स लोगों को ढूंढने में लगे हुए थे। चायोक ने यहां पर तायसांग से पूछा था कि क्या वो उसके लिए फीलिंग्स रखता है। तभी यहां पर एक सोल्जर एंटर करता है। वो अपनी गन निकाल कर शूट करने वाला था और तभी मेडिकल स्टूडेंट उसे गोली मार देता है। गोली की आवाज सभी सोल्जर सुन लेते हैं। तायसांग रूम के एंट्रेंस पर बहुत सारे सामान से बैरियर बना देता है। सभी लोगों को जल्दी वहां से नीचे उतारा जाता है। मेडिकल स्टूडेंट बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि ये सब मेरी वजह से हुआ। अब हम यहां से कैसे निकलेंगे, हमें यहां से कोई नहीं बचा पाएगा। तायसांग सोल्जर्स को रोकने के लिए जाता है। चायोक भी साथ में जाती है लेकिन तायसांग उसे जाने से रोकता है। लेकिन चायोक उसके साथ चली जाती है और मेडिकल स्टूडेंट भी उनकी हेल्प करने के लिए जाता है। सभी जापानी सोल्जर्स भी यहां पे आ जाते हैं और पोजीशन लेकर यहां पे फायरिंग शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ सुनकर इशिकावा डायरेक्टर से पूछता है कि ये सब कुछ चल क्या रहा है। डायरेक्टर कहता है कि आपको पहले गवर्नर जनरल की परमिशन लेनी होगी ये जानने के लिए कि हॉस्पिटल में क्या चल रहा है, और साथ ही मियोंगजा को यहां से अपने साथ ले जाने के लिए भी। अब चायोक देखती है कि मेडिकल स्टूडेंट को गोली लग चुकी है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और वो अपनी माँ को कुछ देने के लिए उसे देता है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। चायोक बहुत दुखी थी और कहती है कि इन लोगों ने बेकसूर लोगों को यहाँ पे लाकर उनकी जान ले ली है। चायोक जब बिल्डिंग से जाने लगती है तो तायसांग उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर चायोक वहाँ से उतर जाती है। सभी लोग वहाँ से नीचे उतर जाते हैं। सभी तायसांग के आने का वेट करते हैं लेकिन वो रस्सी को ही नीचे फेंक देता है और विंडो को बंद करके खुद हॉस्पिटल में ही रुक जाता है, क्योंकि एक इंसान को सोल्जर्स का ध्यान अपनी तरफ रखने के लिए हॉस्पिटल में रहना जरूरी है ताकि ट्रक सेफली यहाँ से बाहर निकल सके। चायोक तो वहाँ से जाने से मना करती है लेकिन वो एक आदमी कहता है कि इन सभी लोगों को देखो, इन लोगों का यहाँ पे क्या कसूर है, क्या तुम इन सभी लोगों को यहाँ मार देना चाहती हो। ये सभी लोग तायसांग को छोड़कर जाने के लिए बहुत दुखी थे। सोल्जर्स यहाँ अटैक करना शुरू कर देते हैं। सभी फायर करते हुए आगे बढ़ते हैं। अब तायसांग के पास बुलेट्स भी खत्म हो गई थी, यहाँ उसे एक गोली लग गई थी। दूसरी तरफ वो लोग जाने लगते हैं और हॉस्पिटल में तायसांग फाइट करता रहता है। एक भी बुलेट उसकी गन में नहीं बची थी। अब कमिश्नर इशिकावा के साथ सभी लोग उस ट्रक में बैठकर हॉस्पिटल से बाहर निकल जाते हैं। तायसांग हॉस्पिटल में छुपने की बहुत कोशिश करता है लेकिन सोल्जर्स उसे ढूंढ ही लेते हैं। वो फायर करते हैं और तायसांग फिसलते हुए एक रूम में हड्डियों के ढेर पे आके गिर पड़ता है। नेक्स्ट दिन में जूनतेक को सोल्जर्स एक रोड पे फेंक कर चले जाते हैं। यहाँ पे उसके फादर उसका वेट कर रहे थे। अब मियोंगजा को उतारा जाता है जहाँ पे इशिकावा उसका वेट कर रहा था। हॉस्पिटल में डायरेक्टर को पता चल जाता है कि मियोंगजा हॉस्पिटल से गायब है। उसके बाद डायरेक्टर कातो के रूम में जाता है जहाँ पे उस सोल्जर को बांधा हुआ था जिसकी यूनिफॉर्म चायोक ने चुराई थी। अब उस सोल्जर से लेफ्टिनेंट पूछता है कि कप में रखा हुआ सीरम क्या उसी ने पिया है। लेफ्टिनेंट कातो उस सोल्जर से पूछते हैं कि मेरे जाने के बाद कौन कौन इस रूम में आया था। वो बताता है चायोक, तायसांग, सोल्जर सोमा और मियोंगजा, सिर्फ चार लोग ही हैं जो इस रूम में आए थे, और वो समझ जाता है कि इन चारों में से किसी एक ने इस सीरम को पिया है। अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे तायसांग को होश आता है और तभी चीफ वहाँ पे आ जाता है। उसे गन पॉइंट करता है और फिर रूम से फायर की वॉइस सुनाई देती है। जापानीज पुलिस ऑफिसर्स को शक भी हो गया था कि इन ट्रकों में कुछ गड़बड़ है, इसीलिए वो ट्रक का पीछा करते रहते हैं और ट्रक ड्राइवर उस ट्रक को पूरे शहर में घुमाता है और एंड में उसके रास्ते में आ जाते हैं। अब ट्रक के ड्राइवर को बाहर निकाल के उससे पूछताछ की जाती है। अब ट्रक पे फायर भी किया जाता है। ऑफिसर्स ट्रक को चेक करते हैं लेकिन उसमें कोई भी नहीं था। वो बताते हैं कि ट्रक में सिर्फ मियोंगजा थी जिसको कमिश्नर इशिकावा के पास ड्रॉप कर दिया गया है। फिर हमें दिखाया जाता है कैसे हॉस्पिटल से बचाए गए लोगों को गायब किया गया। उन्हें ट्रक से चुपके से घर में छुपा दिया गया था जहाँ पे मिसेस नाबोल ने पहले से ही बहुत से रिक्शों को वहाँ पे अरेंज किया था जिससे सभी को उनके घर तक पहुँचाया गया था। मिसेस नाबोल से एक आदमी कहता है कि हम अपने साथ चोंग टाई सांग को नहीं ला सके। मिसेस नाबोल कहती है कि वो हाउस ऑफ ट्रेजर के मालिक हैं, सब कुछ उनके हाथ में है। रिक्शा से सभी लोगों को बारी बारी से उनके घरों तक पहुँचा दिया जाता है। फिर हम चायोक और उसके फादर को एक रिक्शा में देखते हैं। आप कमिश्नर इशिकावा मियोंगजा के साथ थे और वो लेडी मायदा को ये मैसेज देते हैं कि आज रात वो घर पर नहीं आएंगे। लेडी मायदा को डायरेक्टर इचिरो कुछ एक्सपेरिमेंट्स की रिपोर्ट्स और इन्फॉर्मेशन देते हैं जिसमें चायोक की माँ के ऊपर किए गए एक्सपेरिमेंट्स के रिकॉर्ड्स थे। दूसरी तरफ मॉन्स्टर को पिंजरे में कैद किया हुआ था, उस पे लगातार नाइट्रोजन डाली जा रही थी ताकि वो बेहोश रहे। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट कातो का ध्यान बस उस कप पर था कि इससे सीरम किसने आखिरकार पिया होगा। उसी तरफ हम देखते हैं कि सोल्जर सोमा अपनी फैमिली के साथ जंगशंग शहर से भागने की कोशिश कर रहा था जबकि सोल्जर्स उन्हें पूरे शहर में ढूंढने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम तायसांग को देखते हैं जहाँ पे उसने चीफ को मार डाला था। वो बहुत ज्यादा घायल हो गया था। वो उस जगह से निकलने की कोशिश भी करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे हम मेडिकल स्टूडेंट की माँ को देखते हैं। वो उसी चीज को देखती है जो
उसके बेटे ने मरने से पहले चायोक को दी थी और उसकी माँ को देने के लिए कहा था, जिसे देखकर वो बहुत रोती हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि अब उसका बेटा इस दुनिया में नहीं है। अब कमिश्नर इशिकावा और म्योंगजा सोए हुए थे, जहाँ पे म्योंगजा की स्किन के अंदर हम एक कीड़े को चलते हुए देखते हैं। ये वही कीड़ा था जो उस सीरम में था। इसका मतलब वो सीरम किसी और ने नहीं बल्कि म्योंगजा ने ही पिया है। अब हम कुछ दिन के बाद म्योंगजा को रास्ते में आधी रात में देखते हैं, जो कि खून से लथपथ चल रही थी। पहले के सीन में लेडी मायदा ने कहा था कि हॉस्पिटल में लोग तुम्हारी देखभाल करेंगे और तुम्हारे बच्चे की भी। कमिश्नर इशिकावा को पता चल जाता है कि म्योंगजा उनके साथ नहीं है। हॉस्पिटल में लेफ्टिनेंट देखते हैं कि मॉन्स्टर को होश नहीं आ रहा, शायद उन लोगों ने ज्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया है। अब लेडी मायदा को यहाँ लाया जाता है और उसे देखकर लेफ्टिनेंट कहते हैं कि बाहर वालों का यहाँ आना मना है। डायरेक्टर बताते हैं कि लेडी मायदा की बदौलत ही यह हॉस्पिटल चल रहा है। लेडी मायदा उस राक्षस को देखती है और उसे उसके नाम से पुकारती है, सेशिन जाग जाओ। सेशिन जाग जाती है और उस पर हमला करने ही वाली थी, लेकिन वो नहीं करती। जून तेग हॉस्पिटल में हुए टॉर्चर की वजह से अभी भी ट्रॉमा में था। अब शहर के सभी व्यापारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। चायोक सुबह स्टेशन की दुकान के सामने आती है, लेकिन दुकान बंद थी। दूसरे सोल्जर्स देखते हैं कि हानिडा की हालत बहुत खराब है, वो जिंदा है लेकिन उसे इलाज की जरूरत है। हानिडा कहता है ताइसांग को जान से मार दो। ताइसांग जो कि बहुत घायल था, वो दूसरे कमरे में आ जाता है जहाँ पे यूनिफॉर्म को रखा गया था। वो उनमें से एक यूनिफॉर्म को पहनकर सभी पे नजर रखता है और वो वहाँ लेडी मायदा को देखता है। मौका देखकर ताइसांग लेडी मायदा को अकेले में देखकर उनसे बात करने जाता है। सोल्जर डॉक्टर को बताते हैं कि उनके बीच में एक धोखेबाज अभी भी है। डॉक्टर जब अपने कैबिन में आते हैं तो लेडी मायदा वहाँ नहीं थी। ताइसांग लेडी मायदा के साथ बाहर जा रहा था और वो ड्राइवर को बंदूक दिखाकर गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अब ताइसांग यहाँ पे इतना ज्यादा घायल हो चुका था कि वो बेहोश हो गया था। ड्राइवर गाड़ी रोकने के लिए बोलता है, लेकिन लेडी मायदा शहर चलने के लिए कहती है। चायोक दुकान के बाहर बैठकर इंतजार कर रही थी। उसके पिता उसे समझाते हैं कि शायद अब ताइसांग वापस नहीं आएगा। हमें उस औरत को ढूंढना था जो काम हमने कर दिया, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। चायोक कहती है कि ताइसांग अंदर आया क्योंकि हमने ही उससे मदद मांगी थी। म्योंगजा हॉस्पिटल के अंदर है और ताइसांग ने ही सबकी जान बचाई है। वो अपने पिता को बताती है कि वो अपनी माँ से मिली थी और वो अभी भी हॉस्पिटल के अंदर है। लेडी मायदा को देखने के बाद सेशिन बहुत गुस्से में थी। लेफ्टिनेंट बोलता है कि लगता है वो अपनी बेटी को देखना चाहती है। चायोक के पिता अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद कर रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस मैनेजर को बिजली के झटके देकर टॉर्चर करते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने जिन सर्वाइवर्स को बचाया वो कहाँ हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। उसे बहुत टॉर्चर किया जाता है, बिजली के झटके दिए जाते हैं और इन सब से उसे नाबोल की कही बातें याद आती हैं और वो जापानी लोगों के करने वाले टॉर्चर्स को समझा रही थी। इतने टॉर्चर के बाद भी वो कुछ नहीं बताता। अब ताइसांग को होश आता है लेडी मायदा के घर पर। वो आकर उसे बताती है कि तुम यहाँ पे 4 दिन से हो, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था। वो कहता है कि उसने उस हॉस्पिटल के बारे में बहुत कुछ सुना था, लेकिन जब उसने अपनी आंखों से देखा कि वहाँ लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है तो उससे रहा नहीं गया। लेडी मायदा कहती है तुम कोरियन हो इसीलिए ये सब कह रहे हो। ताइसांग कहते हैं कि ये बात किसी देश की नहीं है बल्कि ये बात एक इंसानियत की है। कमिश्नर को पता चलता है कि कई लोगों की जान जा रही है और उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया है। उन सभी बॉडीज का दिमाग निकाल दिया गया था। अब नाबोल काफी गुस्से में थी क्योंकि लोग ताइसांग के मरने की अफवाह फैला रहे थे। ताइसांग वहाँ पे अचानक पहुँच जाता है, जिसे देखकर नाबोल बहुत खुश होती है। अब मैनेजर को अधमरा करके वापस जेल में फेंक दिया गया था। ताइसांग अंदर पहुँचता है और वो कमिश्नर से मिलने जाता है। कमिश्नर उससे पूछता है कि जिन कोरियन लोगों की तुमने जान बचाई वो कहाँ है। ताइसांग बात को टाल देता है और कुछ नहीं बताता। हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ताइसांग पूरी तरह से बदल चुका है, अब वो डर के जीना नहीं चाहता। दूसरी तरफ म्योंगजा की हालत दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। कमिश्नर जब घर आता है तो उसकी नौकरानी मरी हुई थी और उसके सिर में एक छेद था, मतलब कि उसका दिमाग गायब था। यही सब देखकर वो ताइसांग से पूछते हैं कि मुझे बताओ कि उस हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। अब ताइसांग इतना बड़ा सीक्रेट कमिश्नर को फ्री में तो नहीं बताना चाहता था, उसने तो उसका काम कर दिया और अब वो चाहता है कि कमिश्नर शहर के लोगों को छोड़ दे, और अब सभी लोगों को छोड़ दिया जाता है। ताइसांग मैनेजर को जेल से बाहर निकालता है और सभी लोग पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं और कमिश्नर पुलिस ऑफिसर को कहता है ताइसांग पर नजर रखने के लिए। जब चायोक अपने घर से बाहर खाना खरीदने के लिए जाती है तो ताइसांग उससे मिलने जाता है। उसे देखकर वो बहुत हैरान थी। वो उससे गले लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसके अंदर भी ताइसांग के लिए फीलिंग्स थी। कमिश्नर अपनी वाइफ लेडी मायदा से हॉस्पिटल के अंदर चल रही चीजों के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो कुछ भी बताने से इनकार कर देती है और वो कमिश्नर को याद दिलाती है कि उनकी ये शादी बस एक समझौता है। लेडी मायदा एक जापानी है और उसे बस कोरिया आना था, इसलिए उसने कमिश्नर से शादी की थी और कमिश्नर को एक बड़े परिवार का बैकअप चाहिए था। लेडी मायदा कहती है कि आप उस औरत के साथ क्या करते हैं मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन उसके पेट में आपका बच्चा है तो मुझे इस बात से प्रॉब्लम है। फिर
फिर वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि ताइसान को यहाँ पे रख के उसकी देखभाल करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो तो किसी और से प्यार करता है, उसका नाम चायोक है। अब ताइसांग और चेओक दोनों ही एक साथ थे, वो उसका हाथ पकड़ना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे को देख के बस स्माइल करते रहते हैं, तभी उन्हें गन शॉट की आवाज सुनाई देती है। अब लेफ्टिनेंट से मिलने के लिए लेडी मायदा आती है। अब वो पुलिस ऑफिसर जिसे पीछा करने के लिए भेजा गया था म्योंगजा, उसके पीछे पड़ जाती है और उसकी आँख को नोच देती है। ताइसान और चायोक वहाँ पहुँच जाते हैं और लेडी मायदा लेफ्टिनेंट के ऑफिस में नाजिन को देखती है, जिसके बारे में लेफ्टिनेंट बताता है कि उन्हें ये बर्फीले पहाड़ों की गहराइयों में मिला था। नाजिम जैसे ही किसी के दिमाग में जाता है वो स्टेशन जैसा ही बन जाता है, वो एक मॉन्स्टर बन जाता है, दूसरों पर हमला करता है और उसके दिमाग को खाने की कोशिश करता है। लेडी मायदा पूछती है कि स्टेशन इतनी भयानक क्यों दिखती है। वो बताते हैं क्योंकि उसमें एंथ्रेक्स नाम का सीरम इंजेक्ट किया गया था और उन्हें आग और धूप पसंद नहीं है, यानी कि ये उनकी कमजोरी है और नाइट्रोजन उन्हें कमजोर बनाता है। अब ताइसांग मशाल लेकर म्योंजा को खुद से दूर रखता है। चायोक कहती है कि हॉस्पिटल में इसके साथ भी एक्सपेरिमेंट हुआ। पुलिस ऑफिसर एक फ्लेयर फायर करता है। अब ये खबर कमिश्नर को पहुंचती है, म्योंजा वहां से भाग जाती है। अब सभी लोग उसके पीछे पड़े हुए थे। लेफ्टिनेंट लेडी मायदा को सेशन की बेटी के बारे में बताते हैं जो उसे 10 साल से ढूंढ रही थी, और जैसे ही उस क्रिएचर ने अपनी बेटी को देखा उसके जज्बात बाहर आ गए। उसकी बेटी का नाम चायोक है और लेडी मायदा याद करती है ये तो वही औरत है जिसे ताइसान पसंद करता है। दूसरी तरफ सारे पुलिस ऑफिसर म्योंजा को पकड़ने के लिए उसके पीछे थे। भागते हुए वो जंगल की तरफ पहुंच जाते हैं। अब हमें इंसानों के ऊपर होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बताया जाता है। लेफ्टिनेंट बताते हैं कि ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करते वक्त उन्हें एक नाजिम के बारे में पता चला। एक्सपेरिमेंट के दौरान सैंपल को एक प्रिजन में फैला दिया गया था और उसके कॉन्टेक्ट में आते ही सभी लोग मॉन्स्टर में बदल जाते हैं। लेडी मायदा लेफ्टिनेंट को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और बदले में वो बस इतना ही चाहती है कि सेशन को इस तरीके से ट्रेन किया जाए कि वो बस लेडी मायदा की बात मानने के लिए तैयार हो जाए। दूसरी तरफ म्योंजा पकड़ी जाती है और कमिश्नर वहां पहुंच जाते हैं। वो कमिश्नर से मदद मांगती है लेकिन वो कहते हैं कि उसने 10 लोगों की जान ली है। वो उसके बच्चे को अपनाने से मना कर देता है और उसे पिंजरे में जाने के लिए कहता है, लेकिन तभी म्योंजा को गुस्सा आ जाता है और वो कमिश्नर पर हमला कर देती है, उसे मार डालती है। बदले में सभी लोग उस पर गोली चलाते हैं, उसे वहीं घायल छोड़कर चले जाते हैं। कमिश्नर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और ताइसांग उसी पुलिस ऑफिसर से मिलता है जिस पर म्योंजा ने हमला किया था। अब चायोक को घर पर उसके पिता की चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि वो हॉस्पिटल जा रहे हैं अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए। उसके पिता गेट पर पहुंच जाते हैं और सोल्जर से कहते हैं कि जिस औरत पर मॉन्स्टर बनने के लिए एक्सपेरिमेंट हो रहा है वो मेरी पत्नी है। अब उसे अंदर लाया जाता है और लेफ्टिनेंट उससे पूछता है कि क्या वो सेशन का पति है। वो उसे उसकी पत्नी से मिलवाता है जो कैदी पर हमला कर देती है। वो अपनी पत्नी के गले पर लॉकेट देखकर काफी गुस्सा हो जाता है। वो लेफ्टिनेंट को मारने वाला था, वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। उसे वो जेल में बंद करके रख देते हैं और वो अपने सोल्जर से कहता है कि चायोक को यहाँ पर लाना होगा और कोई रास्ता नहीं है। अब चायोक ताइसांग के घर पे अपने पिता की चिट्ठी लेकर पहुंच जाती है लेकिन नाय बोल ताइसांग को हॉस्पिटल जाने से मना करती है। दूसरी तरफ कमिश्नर की बहुत बुरी हालत थी, डॉक्टर ने कहा था कि वो उन्हें नहीं बचा पाएंगे, इसलिए वो ये बात लेडी मायदा को बताते हैं। लेडी मायदा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कमिश्नर जिए या मरे, और इशिकावा को मारने के लिए कहती है, इसीलिए इंजेक्शन लगाकर डॉक्टर इशिकावा को मार देता है। सुबह होते ही ये खबर हर जगह फैल जाती है। ये खबर जब जुनसुक को मिलती है कि ताइसांग वापस आ गया है तो वो उससे मिलने के लिए आता है और उसके गले लगता है। अब मायदा इशिकावा का फ्यूनल करती है जिसमें डॉक्टर भी शामिल होने आता है। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है क्यों वहाँ पे आके डॉक्टर के बीचों बीच में शूट कर देती है और सभी सोल्जर्स चायोक को अरेस्ट करने के लिए ढूंढने लगते हैं। बार ओनर आकर अब ताइसांग को बताती है कि चायोक बहुत ही बड़ी मुसीबत में है और वो भागते हुए मायदा के घर पहुँचता है और ये पुलिस ऑफिसर उसे बताता है कि किसी को नहीं पता कि आखिर चायोक गई कहाँ। ताइसांग यहाँ पे काफी परेशान होता है और वो अपनी टीम की मदद मांगता है। नेक्स्ट सीन में लेडी मायदा ताइसांग से मिलने आती है। वो उससे कहती है कि तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो उससे ढूंढना छोड़ दो, अब तुम उससे कभी नहीं मिल पाओगे। वो मायदा से कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं कि तुम सच बोल रही हो। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई है और अभी भी मैं तुम्हारे भले की ही बात कर रही हूं। वो कहती है कि अगर तुम उसे नहीं भूलोगे तो तुम मेरे दुश्मन के लिस्ट में शामिल हो जाओगे। ये कहकर वो चली जाती है। ताइसांग भागकर उसके पीछे जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी बात पर कभी भी यकीन नहीं करूंगा चाहे तुम कुछ भी कर लो, और रही बात कि मेरे अपनों ने मुझे धोखा किस लिए दिया, क्योंकि इनके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। तुम लोगों ने इन्हें इतना टॉर्चर किया, मजबूर किया कि इन्हें जवाब देना ही पड़ा। अब मायदा उसे वार्निंग देके यहाँ से चली जाती है। मिसेस नाबोल ताइसांग से पूछती है कि ये सब उन्हें आखिर कब से पता है। ताइसांग बताता है उसी दिन से जब आपको मेरे सामने जेल से बाहर निकाला गया था और जब मैंने आपसे मेरी माँ के बारे में पूछा था। नाबोल को भी जापानियों ने बहुत टॉर्चर किया था
और ना चाहते हुए भी उसे अपने जैसे सभी लोगों के बारे में उसे बताना पड़ा था। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेडी मायदा चायो को गिरफ्तार करवा के सियोंगसोंग हॉस्पिटल पहुंचा चुकी थी ताकि अब उसे उस मॉन्स्टर का खाना बना दिया जाए। अब घर पे सभी लोग तायसांग से माफी मांग रहे थे, लेकिन तायसांग का नौकर उससे कहता है कि आप चाहे मुझ पर भरोसा ना करें लेकिन मैं फिर भी आपके साथ हूँ। अब तायसांग अपने दोस्त जियोंतेक से मिलता है और काफी सारे बॉम्ब्स लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। हॉस्पिटल के बाहर कोई रिक्शा छोड़ के चला जाता है जिस पर सभी सोल्जर ध्यान देते हैं और तायसांग मौका पाते ही हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। कुछ ही देर में वो रिक्शा ब्लास्ट हो जाता है और दूसरी तरफ मॉन्स्टर अंदर सभी लोगों को मार रही थी। उसे कंट्रोल करने के लिए लेफ्टिनेंट काटो ने चायो को गन पॉइंट पर रखा। चायो के डैड अंदर छुपे थे, वहीं पर तायसांग आ जाता है। वो एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी गन्स पीछे कर लेते हैं। तायसांग यहाँ उसके डैड को दो टिकट्स देता है और कहता है कि वो चायो को बचाकर यहाँ से दोनों के दोनों निकल जाएं। लेकिन चायो के पिता मना कर देते हैं कि नहीं, उनकी लाइफ बर्बाद हो चुकी है, उनकी पत्नी यहाँ पर मर रही है, लेकिन तुम दोनों की लाइफ अभी शुरू हुई है, तुम दोनों यहाँ से चले जाओ और बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। अब लेफ्टिनेंट काटो चायो को छोड़कर अपनी लैब से कुछ लेने जाता है और मॉन्स्टर उसके पीछे पड़ जाती है और दूसरी तरफ तायसांग चायो को बचा लेता है। वो सारे सोल्जर्स से फाइट करके चायो को यहाँ से बचा के बाहर निकलता है और यहाँ पर चायो की मॉम को यानी कि उस मॉन्स्टर को उसके डैड देख लेते हैं। उसके सामने वो अपना पेंडेंट दिखाते हैं जिसे देखकर उस मॉन्स्टर को सारी बातें याद आ जाती है कि वो उसका हस्बैंड है। वो अब कंट्रोल में आ जाती है। चायो के डैड उसे कहते हैं कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारा टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है और यहाँ पे सारे बॉम्ब्स फटने लग जाते हैं। यहाँ पे काफी भगदड़ मच जाती है और तायसांग और चायो तो बाहर निकल जाते हैं। इस पूरी तबाही में हॉस्पिटल तो जल जाता है लेकिन वो मॉन्स्टर अभी भी बच गई थी। चायो तायसांग से कहती है कि मैंने डॉक्टर को मारा है, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, वो मुझे कभी भी यहाँ से पकड़ के ले जाएगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती और मैं तुम्हें खतरे में नहीं डाल सकती। तायसांग कहता है कि तुम मुझ पे भरोसा रखो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अब मॉन्स्टर यहाँ से बाहर निकल जाती है और वो शहर में घूम रही थी। तायसांग का नौकर पैसों और जेवर से भरा हुआ बैग लेकर आता है जिससे ये लोग इस शहर से बाहर जा सके और यहाँ पे बहुत सारे लोग उन्हें घेर लेते हैं। ये सारे लोग लेडी मायदा के लोग थे। वो कहती है कि तुम सिर्फ चायो को बचाने आए थे लेकिन पूरा हॉस्पिटल बर्बाद करने की क्या जरूरत थी। तायसांग जवाब देता है कि वहाँ पे किए जा रहे एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक नहीं थे। लेडी मायदा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती थी और अब तुम्हें चायो ले गई, लेकिन इससे पहले भी मेरा एक दोस्त था जिसे मैं पसंद करती थी और उसे शीशन ले गई यानी कि चायो की माँ। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है और उसके गुंडे उन दोनों पर हमला कर देते हैं और यहाँ पे तभी क्रिएचर आ जाती है और सभी गुंडों को मारने लगती है अपने टेंटिकल से। वो यहाँ पे अपनी बेटी को बचाने लगती है। इस लड़ाई में उसका एक हाथ कट जाता है। उसे तायसांग भी बुरा इंसान लगता है। वो तायसांग को जैसे ही मारने लगती है उसके सामने चायो का जाती है। वो कहती है कि बस कीजिए माँ, बहुत हो चुका है, मैं इस इंसान से प्यार करती हूँ। अब टेंटिकल लगने की वजह से वो बहुत ज्यादा जख्मी हो चुकी थी और कुछ ही देर में वो अब मर जाती है। अब सुबह दिखाया जाता है कि लेडी मायदा बहुत सारे लोगों के साथ एक चर्च में थी। अब यहाँ पे उसे कोई लेटर देके जाता है जिसमे लिखा था गुड बाय। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे तायसांग का मैनेजर था। जैसे ही वो यहाँ से निकलने लगती है यहाँ एक बड़ा सा धमाका हो जाता है और ये सारी जगह जल के खाक हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है लेफ्टिनेंट को और लेडी मायदा को कि लेडी मायदा का उसके बाद क्या हाल हो चुका था। वो बताता है कि ये सारा हॉस्पिटल अब जल चुका है इसलिए अब हम यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट काटो ने म्यूंजा का पेट काट कर उसके अंदर से उसका बच्चा भी निकाल लिया था जिसका फेस देखते ही हमें पता चल जाता है कि उसके अंदर नाजिम चल रहा है। अगले दिन बार के अंदर सभी लोग तायसांग की तारीफ कर रहे थे कि उसने कितना अच्छा काम किया है, सभी चीजों को बहुत अच्छे से उसने हैंडल किया। लेकिन अब तायसांग अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगा था। वो जैसा था वैसे ही बन चुका था चायोक की मौत के बाद। वो अपनी दुकान के सामने जाके बैठता है, वो काफी उदास था। सीन कट होके हमें पानी के अंदर अब चायोक और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है। चायोक तो अब मर चुकी थी। अब ये मॉन्स्टर अपने अंदर से नाजिम को निकाल के चायोक के अंदर डाल देती है। अब इससे मरी हुई चायोक वापस से जिंदा हो जाती है और वो मॉन्स्टर यहीं पे मर जाती है। सो गाइस, अब इसके आगे क्या होने वाला है ये तो हमें इस सीरीज के सीजन 2 में ही पता चलेगा जिसका अपडेट जल्द ही आपको मिल जाएगा। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।